तो हाय स्टूडेंट्स, आप लोग यूपी टेक काउंसलिंग का वेट कर रहे हैं। बहुत ही जल्द आपकी काउंसलिंग ओपन हो जाएगी, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो जाएंगे। सब इससे पहले काउंसलिंग स्टार्ट हो, आपको कट ऑफ के बारे में ज़्यादा क्लैरिटी होनी चाहिए कि आईटी लखनऊ को लेकर काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की इंक्वायरी है कि आईटी लखनऊ में आपको कितनी रैंक से लेकर के कितनी रैंक तक एडमिशन मिलेगा। तो आपको ब्रांच वाइज यहाँ पर हम आपको कट ऑफ दिखाने वाले हैं, और ये कट ऑफ आपकी क्यों थोड़ा सा अलग होने वाली है, क्योंकि यहाँ पर हमने एक सेफ साइड कट ऑफ लिया हुआ है। और ऐसा नहीं कि ये अपने अकॉर्डिंग बनाई गई कट ऑफ है, ये आपकी ऑफिशियल कट ऑफ है। इसको इस पर आप 100% ट्रस्ट कर सकते हो, 100% आपकी एक्यूरेट कट ऑफ यहाँ पर दिखाई जा रही है। और ये आपकी फोर्थ राउंड की कट ऑफ है। मेन काउंसलिंग में जो स्पॉट राउंड से पहले जो मेन राउंड्स होते हैं, जो कि पिछले साल 2022 में 4 राउंड में काउंसलिंग हुई थी यूपी टेक की, उसमें से जो फोर्थ राउंड का कट ऑफ है, जो कि आपका इससे भी ज़्यादा रैंक पे आपका एडमिशन, थोड़ी बहुत ज़्यादा रैंक भी है तभी भी आपका आईटी के अंदर एडमिशन हो सकता है। अगर आपकी रैंक इस वाले डेटा में, जो आपको हम ये आप डेटा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, अगर आपकी रैंक इस डेटा में लाई करती है, आप इस बीच में कहीं भी आपकी रैंक आती है, तो आपको इस कॉलेज के अंदर एडमिशन 100% मिल जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आपको स्पॉट राउंड में थोड़ी सी और भी ज़्यादा रैंक तक एडमिशन हो रहा होता है, लेकिन यहाँ पर सीएससी आईटी में स्पॉट राउंड में ज़्यादा सीट वैकेंट नहीं होती हैं, लेकिन अदर ब्रांचेज में आपको डेफिनेटली इससे ज़्यादा रैंक पे आपको आईटी लखनऊ के अंदर एडमिशन मिल सकता है। तो एक बार जल्दी से कट ऑफ देख लेते हैं, इसी के बाद आपको वीडियो अपने बीआईटी झांसी पे भी कट ऑफ का वीडियो बनाया हुआ है, केनआईटी सुल्तानपुर पे भी आपको बनाया गया है, ताकि आप ये रिसेंट का जो वीडियो है ये आपको हेल्प करेगा आपकी रिसेंट काउंसलिंग में, जो काउंसलिंग होने वाली है आपको एकदम क्लियर रहेगा। तो फिलहाल अगर ये कंप्लीट आप पीडीएफ चाहते हैं, तो पीडीएफ के लिए भी आपको आईटी लखनऊ, बीआईटी झांसी, केनआईटी सुल्तानपुर तीनों कॉलेजेस की आपको पीडीएफ मिल जाएगी। डिस्क्रिप्शन में आपको एक गूगल फॉर्म मिलेगा, गूगल फॉर्म में आपको अपना नेम, नंबर, डिटेल वगैरह डाल देना है, हमारी टीम आपको पीडीएफ आपको फॉरवर्ड कर देगी। और आपके फर्दर कोई भी डाउट्स हैं या इंक्वायरीज हैं, तो वो भी आप उनके साथ में डिस्कस कर सकते हैं, काउंसलिंग से रिलेटेड भी अपनी डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर अगर हम बात करें सीएससी की, सबसे पहले यहाँ पर 5 कैटेगरीज में आपके एडमिशन मिलेंगे, 5 से 6 कैटेगरीज भी रहेंगी, जिसमें से एक है आपका अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए। जो कैंडिडेट यूपी से बाहर के बच्चे हैं, किसी भी स्टेट से हैं, यूपी में अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 15% जो है वो अदर स्टेट कोटा, अदर स्टेट की सीट्स होती हैं जहाँ पर आपको एडमिशन मिल सकता है। तो ये जो ओपन कैटेगरी यहाँ पर मेंशन किया है, ओपन कैटेगरी आपका है अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए, जनरल है यूपी के जनरल कैंडिडेट्स के लिए, EWS कैंडिडेट जो EWS वाले हैं, SC, ST और OBC, ये सारी कैटेगरी वाइज आपको यहाँ पर, और एक साइड यहाँ पर ब्रांचेज मेंशन की गई है। तो सबसे पहले हम CSE की बात करेंगे, कंप्यूटर साइंस की बात करेंगे, जो कि बहुत ज़्यादा डिमांड में है। कंप्यूटर साइंस में जो क्लोजिंग रैंक है अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए मेन राउंड की काउंसलिंग में, वो है 29,000। तो अगर हम राउंड फिगर में बात करें, तो 30,000 तक आपको अदर स्टेट वाले बच्चों को भी यहाँ पर यूपी के अंदर एडमिशन मिल सकता है। एक और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात ये है कि सर, क्या 30,000 रैंक पे यहाँ पर आईटी लखनऊ में एडमिशन लेना वर्थ इट है या नहीं है? तो देखिए, बहुत सारी चीज़ें हैं, स्पेशली 2023 की काउंसलिंग में काफ़ी सारे ऐसे बच्चे हैं जो 75% ना होने की वजह से जोसा में एलिजिबल नहीं है, उनकी स्कोरिंग बहुत अच्छी है, 30,000 आपकी काफ़ी अच्छी रैंक होती है। और अगर आपका परसेंटेज वाला इशू है कुछ, तो यहाँ पर AKTU में जो परसेंटेज का एलिजिबिलिटी है वो काफ़ी कम है, 45-50% से आप यहाँ पर एलिजिबल होते हो। SC, ST और OBC, जनरल OBC कैटेगरी है, तो आपको 50% चाहिए, अदरवाइज आप 45% से भी आप यहाँ पर एलिजिबल हो। तो जिन कैंडिडेट्स का 12th में परसेंटेज ज़्यादा अच्छा नहीं है, या लेस देन 60% है, 60% से भी कम है, वो लोग इस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, और उनके लिए कॉलेजेस ये आईटी लखनऊ, बीआईटी वगैरह कॉलेज जो है वो बेस्ट रहेंगे। कट ऑफ इनकी हाई जाएगी, जो ज़्यादा रैंक वाले बच्चे हैं उनके लिए भी काफ़ी सारे कॉलेज ऑप्शंस हैं यूपी के अंदर। इवन यूपी में 6-7-8 लाख रैंक तक भी एडमिशन होता है, काफ़ी सारे स्टेट यूनिवर्सिटीज़ हैं, गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, या आपके टॉप प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं जिनमें आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपको सीएससी की बात कर रहे थे हम, जनरल अदर स्टेट वाले बच्चों के लिए। अब हम बात करते हैं जनरल कैटेगरी, जो यूपी में जनरल कैटेगरी है, जनरल कैटेगरी वाले बच्चे की रैंक कितनी होनी चाहिए अगर आपको आईटी लखनऊ में सीएससी लेना है। यहाँ पर आपको 36,000 रैंक क्लोजिंग रैंक मिलेगी, 36,000 रैंक अगर आपकी है, लगभग 36 से 37,000 रैंक है, या अंडर 40,000 है, तो आप आईटी लखनऊ में सीएससी को एक बार प्रेफरेंस में जरूर रखिए, आपको यहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। यहाँ आप नेक्स्ट हम बात करें ओबीसी कैटेगरी में, कंप्यूटर साइंस ब्रांच पे आईटी लखनऊ के अंदर, तो यहाँ पर ओबीसी वाले बच्चे का रैंक थोड़ा एक्सटेंड हो जाता है, जनरल का 36 है, तो ओबीसी का जो क्लोज हो रहा है वो 41,000 पे, या कह सकते हैं 42,000 के लगभग पे क्लोजिंग हो रही है, 41,980 रैंक, 41,980 पे क्लोज हो रहा है, मतलब लगभग आपका 42,000 पे ये कॉलेज जो है ओबीसी कैटेगरी के लिए क्लोज हो रहा है। तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं, तो लगभग आपको 42 से लेकर के 45,000 रैंक तक आपको सीएससी में एडमिशन यहाँ पर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे एसटी कैटेगरी से हैं, शेड्यूल ट्राइब से हैं, तो उनका डेटा बहुत बार अवेलेबल नहीं है काफ़ी जगह पे,
लेकिन फिलहाल यहाँ पर एससी कैटेगरी की रैंक को कंसीडर कर लिया गया है। अगर आप एससी कैटेगरी हैं तो आपको और ज्यादा रैंक तक एडमिशन मिल जाएगा। तो यहाँ पर सीएससी में 1,12,000 रैंक तक एससी कैटेगरी वाले बच्चों को एडमिशन मिला हुआ है, जो कि जनरल और ओबीसी के कंपेरिजन में काफी ज्यादा है। तो 1,12,000 तक आपको यहाँ पर आईटी लखनऊ में सीएससी लास्ट राउंड में आपको मिल रहा है, स्पॉट से पहले वाले राउंड में आपको मिल रहा है। स्पॉट में दिक्कत ये कि स्पॉट राउंड में कई सारे कॉलेज यूपी टेक की काउंसलिंग से बाहर हो जाते हैं, पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं। जैसे कि प्राइवेट कॉलेजेस हैं वो पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। आपकी जो स्टेट गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे लखनऊ यूनिवर्सिटी है, चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी आगरा है, DDU गोरखपुर है, ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इस काउंसलिंग में सिर्फ मेन राउंड की काउंसलिंग में तो पार्टिसिपेट करती हैं, लेकिन स्पॉट राउंड में ये पार्टिसिपेट नहीं करती हैं। और इन मोस्टली यूनिवर्सिटीज़ में मिनिमम दो मोड ऑफ एडमिशन है। एक इनका यूनिवर्सिटी लेवल का काउंसलिंग है, जो कि इनका अलग से होता है, और दूसरा ये ओपन मोड सभी बच्चों के लिए, जो कि स्टेट काउंसलिंग है। नेक्स्ट हम EWS कैटेगरी की बात करते हैं। EWS वाला जो रैंक है वो लगभग OBC के सिमिलर रहता है, हालांकि OBC की रैंक थोड़ी सी ज़्यादा रहती है। और EWS की जो क्लोजिंग है CSE ब्रांच के लिए वो 38,000 रैंक है। ये बात रही CSE की। इसी के बाद आपका CSE AI ब्रांच भी आपका IIT लखनऊ के अंदर अवेलेबल है। जिन बच्चों का टारगेट है CSE, तो वो डेफिनेटली CSE के साथ AI ब्रांच को भी ऑप्शन में रखेंगे, CSE और CSE AI को रखेंगे। उसके बाद आपकी EC का जो मोस्ट प्रोबेबली बच्चे डिमांड करते हैं, तो EC ब्रांच भी आपकी रहती है। तो इसमें से CSE AI का अगर देखेंगे कट ऑफ, तो वो आपका 40,000 क्लोजिंग है अदर स्टेट के लिए। जनरल कैंडिडेट है अगर, तो 42,000 क्लोजिंग है जनरल कैंडिडेट के लिए। OBC के लिए 49,000 क्लोजिंग है, और SC ST कैंडिडेट के लिए 1,39,000 क्लोजिंग है। AI ब्रांच में अगर आप स्पेशलाइजेशन में चले जाते हैं, और EWS की अगर हम बात करें, तो EWS में 45,000 रैंक पे क्लोज हो रहा है। इसी तरीके से EC के लिए देख लेते हैं। बच्चों का एक रहता है कि सर EC ब्रांच में अगर CSIT नहीं मिल रहा है, तो एटलीस्ट EC में हमें एडमिशन ज़्यादा रैंक तक मिल जाएगा। तो वो भी आपको यहाँ पर डिफरेंस देखने को मिल जाएगा कि बहुत ज़्यादा डिफरेंस आपको ECE के कट ऑफ में भी नहीं मिलेगा। हाँ, ECE की कुछ सीटें स्पॉट राउंड में वैकेंट आपको मिल जाएंगी। ECE के कट ऑफ की बात करें, 48,000 पे अदर स्टेट कैंडिडेट के लिए क्लोजिंग है यहाँ पर, और जनरल कैटेगरी के लिए 52,000 पर क्लोजिंग है, OBC कैटेगरी के लिए 57,000 पर क्लोजिंग है, और SC ST के लिए 1,58,000 पर क्लोजिंग है। और EWS कैटेगरी की बात करें, तो 53,000 पे यहाँ पर क्लोजिंग आपको मिल रही है। एक क्वेश्चन ये है कि सर अगर IIT लखनऊ ही कॉलेज चाहिए और मुझे ब्रांच का दिक्कत नहीं है, ब्रांच में अप एंड डाउन चलेगा, ब्रांच में मुझे कोई भी ब्रांच चलेगी, लेकिन कॉलेज बढ़िया मिल जाए, तो उस कंडीशन में केमिकल की जो कट ऑफ है वो सबसे ज़्यादा जाती है, केमिकल में सबसे ज़्यादा रैंक तक एडमिशन होता है। तो जो अदर स्टेट कैंडिडेट हैं उनके लिए केमिकल यहाँ पर क्लोज हुआ है 86,000 रैंक पे, 86,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। जनरल वाले कैंडिडेट के लिए 1,02,000 रैंक पे क्लोज हुआ है। यूपी में OBC कैंडिडेट के लिए 1,20,000 पे केमिकल क्लोज हुआ है। SC ST में आपको 2,77,000 पे क्लोज हुआ है, और EWS कैंडिडेट के लिए 1,13,000 पे केमिकल क्लोज हुआ है। तो अगर आपको इतनी रैंक है, तो आपको IIT लखनऊ में केमिकल ब्रांच तक मिल सकती है। इसके बाद केमिकल वगैरह में स्पॉट राउंड में भी सीटें वैकेंट रहती हैं, तो ज़्यादा रैंक पे एडमिशन 1,50,000, 2,00,000, 2.5 लाख रैंक तक भी एडमिशन IIT लखनऊ के अंदर देखने को मिलता है। तो आपको अगर स्पॉट राउंड में पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए स्पॉट राउंड में भी आप रजिस्टर करें। स्पॉट राउंड मेन राउंड काउंसलिंग के बाद आपका हो रहा होता है, तो उसके लिए आपको एक्टिव रहना है कि कब डेट्स आ रही हैं, कब अप्लाई करना है, क्योंकि पैरेलली साथ साथ में और भी कई काउंसलिंग्स आपकी चल रही होती हैं। तो ये आपका कट ऑफ है, इसके साथ साथ आपको और भी स्क्रीन पे कट ऑफ दिखा दी गई है। इन सारी कट ऑफ के बारे में आप देख सकते हैं, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग, स्टे कनेक्टेड।